हेलो फ्रेंड्स, जब से ये कोरोना पैंडेमिक चालू हुआ है, जब से ये महामारी पिछले एक साल से चालू हुई है, तब से एक टर्म है जो सबके दिमाग में है और हमेशा हर जगह यूज आता है, वो है वैक्सीन का। कि कब कोरोना की वैक्सीन आएगी, क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, क्या काम होगा, इफेक्टिव होगा कि नहीं। तो ये तो एक अलग टॉपिक है बात करने के लिए, पर जो मेन टर्म है यहाँ पर वैक्सीन का, तो आज हम ये जान लेते हैं कि वैक्सीन क्या होती है, उनका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, और उसके बारे में और कुछ छोटी छोटी बातें हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वैक्सीन होता क्या है। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन वैक्सीन की ये आती है कि प्रिपरेशन विच प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक ऐसी प्रिपरेशन है जो कि किसी भी डिजीज के अगेंस्ट क्या प्रोवाइड कराती है, इम्यूनिटी। अब यहां पर दो टर्म आते हैं, इम्यूनिटी और डिजीज। तो डिजीज क्या है? अगर सिंपल भाषा में बात करें तो किसी भी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग में अगर कोई दिक्कत होती है और वो एक अबनॉर्मल फंक्शनिंग शो करता है, तो उसे हम कहते हैं कि वो डिजीज की कंडीशन है। ठीक है, तो ये तो डिजीज हो गया। और इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी होता है कि बॉडी का किसी भी डिजीज के अगेंस्ट लड़ने का कैपेसिटी या उस डिजीज को न्यूट्रलाइज करने का कैपेसिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। तो वैक्सीन क्या है? ऐसा प्रिपरेशन है कि ऐसा सीरम है या लिक्विड है जो कि इम्यूनिटी देता है डिजीज के खिलाफ। मेडिसिन क्या करता है? मेडिसिन डिजीज होने के बाद डिजीज को रोकता है, डिजीज होने के बाद उसके सिम्टम्स को कम करता है, और फिर वो उसका वर्किंग प्रिंसिपल अलग है, वो डिजीज के बाद होने के बाद। और वैक्सीन डिजीज होने से पहले पहले से ही उसे रोकने के लिए एक प्रिपरेशन है। ठीक है, तो हमें पता चल गया डिजीज क्या है और इम्यूनिटी क्या है। अब कैसा हमारा बॉडी काम करता है, किस प्रिंसिपल पर वैक्सीन बनाया जाता है, हम वो भी देख लेते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में एक सिस्टम है इम्यून सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है डाइजेशन के लिए, रेस्पिरेटरी है रेस्पिरेशन के लिए, इम्यून सिस्टम है बॉडी को इम्यून रखने के लिए, मतलब डिजीजेस फ्री रखने के लिए या डिजीज से बचाने के लिए। तो ये कैसे काम करता है ह्यूमन में या हायर एनिमल्स में? जैसे मान लीजिए कोई भी एक पैथोजन है। पैथोजन क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करता है, जैसे बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, फंजाई हो गए या वायरस हो गए, ठीक है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करे उसको बोलते हैं हम पैथोजन। अब मान लीजिए हमारे बॉडी में कोई भी पैथोजन सबसे पहली बार एंट्री कर रहा है, फर्स्ट एंट्री कर रहा है, तो हमारा बॉडी उसके स्ट्रक्चर से, उसके नेचर से, उसके प्रोटीन्स से, एंजाइम्स से अनजान है। उसे नहीं पता है कि ये कैसा बिहेव करेगा, ये हमारे लिए सही है या नहीं है। बॉडी के लिए सिर्फ वो एक फॉरेन मटेरियल है। तो बॉडी क्या करता है? बॉडी को टाइम लगता है उसके बारे में जानने में या उसके अगेंस्ट कुछ प्रोटीन्स या कोई भी सेल बनाने में, तो उसे टाइम लगता है, और तब तक ये पैथोजन डिजीज कॉज कर देता है। ठीक है, और इम्यून सिस्टम को टाइम लगता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो क्या करता है, सेल्स बनाता है इसके अगेंस्ट। तो कौन सा सेल बनाता है? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, यही हमें प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, WBC। अब जो WBC बनते हैं वो भी दो प्रकार के बनते हैं। तो जो कुछ WBCs होते हैं वो क्या करते हैं, इस पैथोजन को न्यूट्रलाइज करेंगे, और कुछ WBC मेमोरी के तौर पर स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, मेमोरी के तौर पर स्टोर हो जाएंगे। क्यों स्टोर होंगे? कि पहले बार में तो ये आया, बॉडी को थोड़ा टाइम लगा, लेकिन बॉडी ने इसे न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, पर जब फ्यूचर में कभी इसका फिर से इन्वेजन हो, ये पैथोजन फिर से बॉडी में आए, तो यही मेमोरी सेल्स क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे और अपने जैसे सेल्स बनाएंगे और फिर इसको फिर से न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, तो हमें यह पता चला कि हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है मेमोरी पर। किसी भी पैथोजन से पहले एनकाउंटर का मेमोरी वो रखता है
और वो पैथोजन अगर दोबारा आया आगे तो उसे फिर न्यूट्रलाइज करता है। तो वैक्सीन भी इसी बेसिस पर काम करता है। हम वैक्सीन क्यों देते हैं? वैक्सीन में होता क्या है? वैक्सीन में वही पैथोजन का या तो किल्ड फॉर्म होता है, उसी पैथोजन को हम मार के किसी में इंजेक्ट कर देते हैं, या डिसआर्म्ड फॉर्म होता है, मतलब वायरस बैक्टीरिया फंजाई वो लिविंग तो रहेगा पर उसका डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी हम खत्म कर देते हैं केमिकल्स से, रेडिएशन से, ठीक है। या हम क्या करते हैं कि उस वायरस या बैक्टीरिया या फंजाई उस पैथोजन के प्रोटीन्स को लेते हैं और बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। तो किससे क्या हो जाता है, बॉडी को पहला एंट्री हो जाता है पैथोजन का, बॉडी में पहला एनकाउंटर बॉडी का पैथोजन से हो जाता है। अब क्या करता है, बॉडी उसके खिलाफ एक्शन लेता है, सेल्स बनाता है, WBC लिम्फोसाइट्स बनाता है और फिर कुछ लिम्फोसाइट्स मेमोरी के रूप में रखता है। जब कभी वो पहले बाद में सेकेंड एनकाउंटर होगा तब वही मेमोरी सेल्स काम आएंगी और फिर से न्यूट्रलाइजेशन पैथोजन का हो जाएगा। तो वैक्सीन भी यही काम करता है, ठीक है। वैक्सीन हम इसलिए देते हैं कि इम्यूनिटी बन जाए उसके खिलाफ और फ्यूचर में कभी वो पैथोजन बॉडी में एंटर करे तो उसे बॉडी न्यूट्रलाइज कर सके। वैक्सीन का आइडिया आया कहां से? एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर ने एक दिन क्या देखा, उन्होंने देखा उस टाइम पे स्मॉल पॉक्स बहुत डेंजरस डिजीज हुआ करती थी, अभी तो कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुकी है, उस वक्त बहुत डेंजरस डिजीज हुआ करती थी। तो उन्होंने एक बार यह ऑब्जर्व किया जो जो मिल्कमैन है, जो गाय दूहने वाले लोग हैं उनमें काउ पॉक्स होता है, इसी के जैसा सिमिलर डिजीज है जो कि काउ से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है, उनको काउ पॉक्स था, ठीक है। और उन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि जिन्हें भी काउ पॉक्स है उन्हें कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं होता है, जिन्हें भी काउ पॉक्स कभी हुआ होगा उन्हें कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया, जिनको काउ पॉक्स था और उनके रैसेज या उनके निशान उनके बॉडीज पे थे तो उससे सीरम लिया, ठीक है, उसका लिक्विड लिया घाव उनके घाव में से काउ पॉक्स के, और उस लिक्विड को एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर किया, ठीक है, हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर किया। अब उस पर्सन को क्या हो गया, काउ पॉक्स हो गया, ठीक है, और वो पर्सन फिर ठीक भी हो गया। अब जब हेल्दी पर्सन दोबारा ठीक हो गया काउ पॉक्स होने के बाद तो काउ पॉक्स का मेमोरी उसमें रह गया होगा, उसके सेल्स मेमोरी सेल्स बन गए होंगे उसके इम्यून सिस्टम में, और फिर एडवर्ड जेनर ने थोड़ी दिन बाद स्मॉल पॉक्स का वायरस इसमें इंजेक्ट किया इसी हेल्दी पर्सन में जिसे पहले काउ पॉक्स हो चुका था। तो उन्होंने देखा कि कोई भी स्मॉल पॉक्स का सिम्टम इस हेल्दी पर्सन में नहीं हो रहा है। तो वो इस कंक्लूजन में पहुंचे कि बॉडी हमारा मेमोरी रखता है हर एनकाउंटर का, उसने मेमोरी रखा काउ पॉक्स का और उसी से मिलता जुलता डिजीज था स्मॉल पॉक्स। जब स्मॉल पॉक्स का इन्होंने वैक्सीन इंजेक्ट किया, मतलब वायरस इंजेक्ट किया, तो हेल्दी पर्सन में कोई सिम्टम नहीं दिखे, यहीं से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। उन्होंने वैक्सीन बनाया स्मॉल पॉक्स के लिए। वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग वैक्सीन, वैक्सीनेशन इज प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग ट्रेटिंग वैक्सीन, ठीक है। अब जो ये कोविड वैक्सीन है, वैक्सीन के बहुत सारे टाइप होते हैं, हम ये देख लेते हैं कि कोविड वाले वैक्सीन जो है वो कौन से टाइप के हैं। जैसे मैंने बताया कि वैक्सीन होते हैं डिसआर्म्ड वैक्सीन, या उन्हें कहते हैं एटीन्यूएटेड वैक्सीन, मतलब वैक्सीन में जो वायरस का यूज हुआ या पैथोजन का यूज हुआ है वो लिविंग है पर उसका डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी हमने खत्म कर दिया है। और एक होता है इनएक्टिव वैक्सीन, मतलब क्या हुआ, इनएक्टिव वैक्सीन मतलब हमने किल्ड वायरस को यूज किया है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन मतलब इसमें हमने डिजीज कॉजिंग जो वायरस है उसको किल कर दिया है, किल्ड वायरस, और उसको फिर हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं इम्यूनिटी पाने के लिए। और एक होता है एटीन्यूएटेड, एटीन्यूएटेड वैक्सीन मतलब हमने वायरस का डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी जो उसमें है उसको खत्म कर दिया है, फिर भी उसमें जीन्स तो हैं, पैथोजन तो वो है, तो बॉडी उसके प्रोटीन्स को डिटेक्ट करके और उसके बारे में
फिर सेल्स में उसको ट्रांसमिट कर मेमोरी सेल्स बना देती हैं। तो डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी इसका हमने खत्म कर दिया है, उस वायरस का जो भी वायरस हम बनाए उसका डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी खत्म कर दिया है। तो ये दो प्रकार के वैक्सीन हो गए। जो एक कोवैक्सीन है जो अभी बना है वो ये वाला वैक्सीन है। कोवैक्सीन इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि जो वायरस है उसको किल कर दिया गया है, कोरोना वायरस को, कोविड वायरस को, और फिर उसको इंजेक्ट किया गया है। और एक और वैक्सीन है कोविशील्ड वैक्सीन, कोविशील्ड वैक्सीन। तो कोविशील्ड वैक्सीन में क्या है, इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज हो रहा है, इसमें प्रिंसिपल यूज हो रहा है वायरल वेक्टर का। वायरल वेक्टर से मतलब यह है, एक तो वायरस हो गया कोरोना वाला वायरस, कोविड वायरस। तो कोविड वायरस के जो जीन्स हैं, इस वायरस के अंदर जीन्स होंगे, ठीक है, उस जीन्स को क्या किया, किसी दूसरे वायरस में इंजेक्ट किया। कौन से वायरस में ट्रांसफर किया, वो वायरस जो वेक्टर का काम करे। वेक्टर का काम मतलब एज अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ट्रांसपोर्ट व्हीकल का मतलब वो खुद तो डिजीज कॉज नहीं करेगा, वेक्टर वाला वायरस जो होगा वो खुद डिजीज कॉज नहीं करेगा, ठीक है, डिजीज कॉजिंग नहीं होगा, ये डिजीज कॉजिंग नहीं होगा, डिजीज कॉजिंग नहीं होगा, पर ये क्या करेगा, इसके जीन्स को हम इसमें डालेंगे तो ये ह्यूमन बॉडी में इसको ट्रांसफर कर देगा और ह्यूमन बॉडी इससे मेमोरी बना लेगा। तो कोवैक्सीन क्या है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, और कोविशील्ड जो है वो वायरल वेक्टर टाइप का वैक्सीन है। और भी वैक्सीन हो सकते हैं, टॉक्साइड हो सकते हैं, टेटनस टॉक्साइड आपने पढ़ा होगा, डिप्थेरिया के लिए पढ़ा होगा, टीबी के लिए पढ़ा होगा, तो वो सब है। लेकिन मेनली अगर दो वैक्सीन की बात करें अभी जो लेटेस्ट कोरोना का, तो ये दो वैक्सीन है। तो हमने अभी जाना कि वैक्सीन क्या होते हैं, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है और वैक्सीनेशन क्या है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू।